न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का एक लास्ट थ्योरम आपका है लेफलेस इवेरेंट फॉर्मूला बोलते हैं, चाहे इसको इवेरेंट के नाम से भी जानते हैं, इवेरेंट फॉर्मूला के नाम से चाहे लेफलेस इवेरेंट फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इसमें करना क्या है, हम लोग सेंट्रल डिफरेंस टेबल पढ़े थे, सेंट्रल डिफरेंट टेबल में अंतर्गत देखे होंगे, चाहे डिफरेंट टेबल में देखे होंगे कि एक ओड होता है, एक इवन होता है, एक ओड होता है, एक इवन होता है, जैसे डेल नोट डेल वाई डेल ई डेल वाई नोट डेल वाई वन डेल वाई टू है ना, तो ओड इवन हो जाता है इसमें। इसमें करना कुछ नहीं है, जो जो आपको पढ़े थे हम लोग गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, तो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में जो ओड प्लेस रहेगा उसको चेंज करके इवन प्लेस में लिया जाना है, बस यही फॉर्मूला की काम है। देख लीजिए कैसे करते हैं हम लेक्चर आज पढ़ना है आपको 31। We know that Gauss forward interpolation formula इज कितना होगा y u, देखिए यहां पर s के भी टर्म मिल सकते हैं, ना तो s के टर्म मिल लीजिए ना तो फिर u के टर्म मिल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर u के टर्म ले रहे हैं u के टर्म मिल सकते हैं y नॉट प्लस u1 डेल y नॉट प्लस u2 डेल 2 y माइनस 1 प्लस यू प्लस वन थ्री डेल थ्री डेल टू वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन फोर डेल थ्री वाई माइनस टू प्लस यू प्लस वन फाइव यू प्लस टू और फाइव कितना डेल फाइव वाई माइनस टू, इस तरह से बढ़ते जाएगा आपका। आप बोलिए कि ओड प्लेस कहाँ कहाँ है, तो ओड प्लेस यहाँ पर है, ओड प्लेस आपका यहाँ पर है, तो यही ओड प्लेस नहीं है डेल वाई थ्री वाई डेल डेल वाई नोट डेल टू वाई माइनस वन डेल यहाँ थ्री होना चाहिए ना, यहाँ थ्री यहाँ कितना फोर यहाँ फाइव है ना, डेल वन है डेल टू डेल थ्री डेल फोर और डेल फाइव, तो ओड में कौन कौन सा आ गया आपका, ओड में आपका ये आ गया और ये आ गया, वही ओड को क्या करना है डेल फोर वाई माइनस वन को इवन में चेंज करना है, डेल फाइव वाई माइनस वन को इवन में, कैसे करते हैं देखिए, इफ चेंज the odd order differences to even order then we have कितना हुआ डेल वाई नोट इवन हो गया टू फोर से इवन है डेल वाई नोट कितना होगा कैसे वाई वन माइनस वाई नोट वाई वन माइनस वाई कितना डेल वाई नोट होता है फॉरवर्ड के लिए, यहां तक क्लियर है। फिर कितना डेल थ्री y माइनस वन कितना हुआ डेल टू वाई नोट माइनस डेल टू वाई माइनस वन,
जैसे इतना बड़ा इतना 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 बड़ा हो जाएगा। अगर निकाल के चेक करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, डेल थ्री वाई माइनस वन लिखते हैं डेल टू इंटू डेल वाई माइनस वन, तो डेल टू डेल वाई माइनस वन कितना होता है वाई नोट माइनस वाई वन, तो क्या हुआ डेल वाई माइनस वन, अब गुना करते हैं कितना हुआ डेल टू वाई नोट माइनस डेल टू वाई माइनस वन इतना हुआ, तो डायरेक्ट कर सकते हम लोग। अब फिर कितना क्या कहना था डेल फाइव वाई माइनस टू, डेल फाइव वाई माइनस टू कितना हुआ फोर होगा, या डेल फोर वाई नोट माइनस माइनस वन, फिर डेल फोर कितना हुआ वाई माइनस टू, वाई नोट माइनस वाई माइनस वन, वाई माइनस वन माइनस वाई वाई नोट टू है ना, इतना कितना हुआ डेल फाइव वाई माइनस टू होगा। अच्छा निकालना है इसी तरह निकाल लीजिए इसका वैल्यू भी, अब सब ट्यूटिंग दीज वैल्यू चाहे पुटिंग के लिखिए पुटिंग दीज वैल्यू इन वन, वन पुट कर देंगे तो वाई यू बराबर कितना था वाई नोट यू वन का मान, यू वन का मान कितना है ये क्या है वन नोट का पिक्चर है इसका यू के बराबर होता है। अच्छा डेल वाई नोट कितना था वाई नोट माइनस वाई वन था, नहीं वाई वन माइनस वाई नोट प्लस जो कितना था यू टू डेल टू वाई नोट, नहीं डेल टू वाई नोट नहीं था डेल टू माइनस वन था प्लस इवन था, और कितना था ओड में था आपको यू प्लस वन थ्री ओड नंबर के मान रख दीजिए कितना डेल थ्री वाई माइनस वन कितना हुआ डेल टू वाई नोट माइनस डेल टू वाई माइनस वन मान रख दिए प्लस कितना यू प्लस वन फोर, फोर कितना डेल थ्री फोर होगा वाई माइनस टू प्लस अब कितना हुआ यू प्लस टू कितना फाइव, इसका मान कितना हुआ ओड नंबर का डेल फाइव का कितना हुआ डेल फोर वाई माइनस वन माइनस डेल फोर वाई माइनस टू, इस तरह से प्लस डॉट डॉट बढ़ते जाएंगे इस तरह से सबका मान रख दीजिए। आप करना कुछ नहीं है क्यों सॉल्व कर दीजिएगा तो माना जाएगा सबका ना, इतना बहा लेते हैं वाई यू गुना करेंगे तो वाई नोट प्लस कितना होगा इसका मान भी तो कितना यू सी वन के मान डायरेक्ट लिख सकते हैं लोग कोई दिक्कत नहीं है, तो यू वाई वन माइनस कितना यू वाई नोट, वाई नोट कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा वाई नोट कॉमन होगा कितना वन माइनस यू, वन माइनस यू कितना वाई नोट प्लस वाई वन यू वाई वन यू वाई वन, यहां तक क्लियर है प्लस यू सी टू यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, चाहिएगा तो इसका वैल्यू लिख दीजिए नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाता है इसके कारण आप छोटा भी कर सकते हैं इसको यू टू मतलब क्या हुआ यू टू रहने दीजिए आप लास्ट में हम लोग ऐसा रख सकते हैं पुट कर देंगे प्लस यू प्लस वन थ्री कितना डेल टू वाई नोट और यू प्लस वन थ्री डेल टू वाई माइनस वन, यहाँ भी है डेल टू माइनस यहाँ कॉमन ले सकते हैं अच्छा जाएगा कॉमन ले लीजिए कितना ला लिखिए कॉमन ले लीजिए पर कितना यू टू माइनस यू प्लस वन थ्री कितना डेल
टू वाई माइनस वन आई कितना हो जाएगा यू प्लस वन थ्री डेल टू वाई नोट हो गया। ये कितना हो गया यू प्लस वन फोर डेल फोर वाई माइनस टू डेल फोर वाई माइनस यहां भी है कॉमन सकते हैं कितना हो गया यू प्लस वन फोर कितना प्लस माइनस कितना यू प्लस टू और फाइव कितना हो जाएगा कॉमन डेल फोर वाई माइनस टू प्लस इसके बाद क्या हुआ ये बच जाएगा केवल यू प्लस टू और फाइव कितना डेल फोर वाई माइनस वन प्लस डॉट 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 इस तरह बच जाएगा। अब करना कुछ नहीं है इस सबको तोड़ देंगे तोड़ के मार रख देंगे हम इसको मान लेते हैं टू। अब सबका मान निकाल लीजिए यहां तक हो गया सबका क्लियर। यू टू माइनस यू प्लस वन थ्री का वैल्यू कितना हुआ यू सी टू यू इंटू यू माइनस वन बटे फैक्टोरियल टू माइनस कितना यू प्लस वन माइनस वन यू यू प्लस वन माइनस टू तो यू माइनस वन बटे फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल टू का मान टू ही होता है। अब इसको फैक्टोरियल टू रख दीजिए चाहे टू रख दीजिए आप कितना हुआ यहाँ भी कितना है फैक्टोरियल टू है यहाँ कितना है फैक्टोरियल थ्री है इसे कह रहे हैं फैक्टोरियल टू इंटू थ्री चाहे फैक्टोरियल थ्री कॉमन लेते हैं यहाँ पर है ना एलसीएम लेते हैं अब फिर कितना कॉमन होता है ई इंटू यू माइनस वन कॉमन होता है तो कितना बचता है आपका यहाँ थ्री बचेगा थ्री माइनस कितना यू प्लस वन यू माइनस वन हम एलसीएम ले लिया पर अब कितना हुआ माइ यू माइनस टू यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस माइनस यू माइनस टू बटे कितना फैक्टोरियल थ्री चार साल में माइनस कॉमन ले सकते हैं कितना होगा एक लगा बात है यू माइनस कितना यू इंटू यू माइनस वन क्या होगा यू प्लस टू बटे फैक्टोरियल ठीक है इतना वैल्यू आ गया। अब कितना वैल्यू आ रहा है अब इसका वैल्यू निकालना आपको है ना तोड़ दीजिए कितना यू प्लस वन और फोर तो कितना माइनस यू प्लस टू और फाइव कितना हुआ यू प्लस वन इंटू यू प्लस वन माइनस वन यू प्लस वन माइनस टू यू प्लस वन माइनस थ्री बटे फैक्टोरियल फोर माइनस यू प्लस टू माइनस वन थ्री यू माइनस वन यू माइनस टू कितना हुआ फाइव है फैक्टोरियल अब इसका मान निकल जाएगा तो कितना आएगा कॉमन लीजिए यू प्लस वन यू यू माइनस वन यू माइनस टू बटे फैक्टोरियल फाइव तो कॉमन कितना होगा फाइव होगा माइनस यू माइनस टू ये बचेगा आपका यू है तो माइनस थ्री तो प्लस थ्री हो जाएगा कॉमन लेगा तो माइनस कितना यू प्लस वन यू यू माइनस वन यू माइनस टू अब क्या हुआ इसमें माइनस कॉमन हो जाएगा हो जाएगा यू माइनस थ्री यानी माइनस थ्री थ्री माइनस यू है
यू माइनस क्या हो जाएगा थ्री। यहाँ पर भी मिस्टेक लग रहा है, टू माइनस यू है, टू माइनस यू, तो यहाँ पर कितना हुआ टू माइनस यू, टू माइनस यू माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हुआ यू माइनस टू। देखिए मिस्टेक हो रहा था आपका, कितना हुआ यू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय कितना फैक्टोरियल फाइव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ होता आप थ्री माइनस यू माइनस कॉमन ले लिया पर हो गया यू माइनस थ्री। अब इसी का मान पुट कर देंगे टू में, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन टू तो कितना हुआ वाई यू वन माइनस यू वाई नॉट प्लस यू वाई वन प्लस कितना था यू इंटू माइनस यहां पर यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू बटे कितना फैक्टोरियल थ्री डेल टू वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन थ्री कितना हुआ डेल थ्री डेल टू वाई नोट था। अब कितना हुआ यहाँ पर माइनस मान रखेंगे इसका मन कितना माइनस यू प्लस वन यू यू माइनस वन यू माइनस टू और यू माइनस थ्री बटे फैक्टोरियल फाइव कितना हुआ डेल फोर वाई नोट था। अब क्या होगा वाई माइनस टू इवन हो जा रहा है केवल ये आपका था। इसके बाद क्या था इसके बाद एक टर्म और था u प्लस टू और फाइव कितना डेल फोर y माइनस वन प्लस डॉट डॉट ये थ्री बन गया। अब करना कुछ नहीं है यहाँ डेल y माइनस वन यहाँ भी माइनस वन यहाँ y नोट यहाँ y माइनस टू है ना डबल डबल इवन जा रहा आपका। तो एक काम कर सकते हैं कि दो पार्ट में चेंज कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या रहेगा पहला पार्ट रहेगा आपका कि वी पुट वन माइनस यू इक्वल टू वी वन माइनस वी इक्वल टू वी किसके साथ जहां जहां नेगेटिव साइन है इन द टर्म दो पार्ट में आ जाएगा टर्म्स विथ नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन देन वी गेट क्या हुआ इसका मान तो भी हो जाएगा। अब इस वन माइनस यू बराबर भी है तो यू का मान क्या होना चाहिए U के मान होना चाहिए आपका वन माइनस भी वन माइनस भी सबका मान निकालिए माइनस कितना माइनस U U माइनस वन U माइनस टू बटे कितना फैक्टोरियल थ्री कितना माइनस U के मान कितना वन माइनस भी वन माइनस भी माइनस वन तो माइनस भी बचेगा आई वन माइनस भी तो माइनस भी माइनस वन बट कितना फैक्टोरियल थ्री इसमें माइनस को मान लेंगे इसमें माइनस में कितना प्लस हो जाएगा कितना भी
आई क्या हुआ माइनस कॉमन यहाँ माइनस कॉमन यहाँ, तो बी माइनस वन यहाँ क्या हुआ बी प्लस वन बटे फैक्टोरियल थ्री कितना हुआ बी इंटू बी स्क्वायर माइनस वन बटे फैक्टोरियल थ्री, चाहे वन का स्क्वायर हो सकते हैं। इसी प्रकार इसका मान निकालेंगे, कोई डाउट नहीं? कितना हुआ एंड फिर कितना मान था माइनस यू प्लस वन यू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री बटे फैक्टोरियल फाइव का मान निकालना था। जैसे सब का मान रखेंगे तो जाते कितना आएगा आपका, यह आ जाएगा वी इंटू वी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर या फोर कर सकते हैं ना बटे कितना फैक्टोरियल फाइव। मान रख दीजिए यहाँ पर यू का मान वन माइनस बी सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऐसे मान निकल गया लेकिन स्टैंडर्ड रूप में लाने की जैसे कर रहा है वैल्यू इन किस में थ्री वी गेट वाई यू बराबर हुआ कितना वी वाई नोट वी वाई नोट प्लस ठीक कितना था यू वाई वन प्लस फिर था आपका इसका माना था वी इंटू वी स्क्वायर माइनस वन बटे फैक्टोरियल थ्री कितना था देन टू वाई माइनस वन प्लस इसे कितना था यू प्लस वन इसको भी तोड़ लीजिएगा तो इतना ही आपका यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन आएगा है ना तोड़ने के बाद डेल टू वाई नोट फिर कितना आएगा फाइव वाला के लिए वी इंटू वी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर बटे कितना हुआ रियल फाइव प्लस यू प्लस टू इसको भी तोड़िएगा तो इसी रूप में आएगा जहाँ जहाँ यू है वहाँ भी हो जाएगा ना यू प्लस टू कितना हो गया यू प्लस टू कितना फाइव डेल इसका मान था डेल फोर डेल फोर वाई माइनस टू प्लस कितना था डेल फाइव फोर फोर होगा इवन में फोर वाई माइनस वन होगा कितना टर्म आएगा। अब इसको दो पार्ट कर दिए एक यू वाला टर्म एक वी वाला टर्म है ना वाई यू बराबर कितना होगा यू वाला टर्म यू वाई वन प्लस यू प्लस वन और थ्री डेल टू वाई नोट प्लस कितना हुआ यू प्लस टू और फाइव डेल फोर वाई माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस वी वाला टर्म कितना वी वाई नोट प्लस वी इंटू वी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर फैक्टोरियल टू है ना डेल टू वाई माइनस वन प्लस कितना वी इंटू वी स्क्वायर माइनस वन वी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल फाइव कितना हुआ डेल फोर वाई माइनस वन टू वाई माइनस टू प्लस डॉट 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 इतना बढ़ते जाएगा यानी दो पार्ट में कर दिए। क्या कर दिए दो पार्ट में कर दिए क्योंकि तो जब भी टेबल लेंगे तो सेंटर से एक एबोव जाएगा एक बिलो जाएगा, जैसे ही एबोव बिलो जाएगा तो दोनों पार्ट लेने के लिए आपको हो गया एक यू के लिए एक वी के लिए। जैसे ही इसको तोड़िएगा इसका वैल्यू क्या होगा इसके बराबर हो जाएगा जहां जहां ई वी है क्या हो जाएगा यहाँ पर ई हो जाएगा ई वी इंटू ई स्क्वायर माइनस वन बटे फैक्टोरियल थ्री कर सकते हैं यहाँ पर ई वी इंटू ई स्क्वायर माइनस वन ई स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल फाइव कर सकते हैं।
इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड लैपलेस इवेरेट, चाहे केवल इवेरेट फॉर्मूला बोलते हैं फॉर्मूला एंड यूज्ड कब जब जीरो से वन तक लाज करता हो। और एक फॉर्मूला विशेषता है केवल इवेन नंबर आता है, क्या होता है इवेन नंबर, ओड नंबर कहीं नहीं, मैंने ओड वाले टेबल को छोड़ के बाकी जगह सब केवल ओड टेबल पे सिंगल आता था और इवेन में डबल आता है। तो दिस फॉर्मूला इन्वॉल्व क्या इवेन इन्वॉल्व करेगा, तो इवेन फॉर्मूला इन्वॉल्व इवेन टर्म है ना, चाहे इवेन लाइन चाहे इवेन डिफरेंसेस, समझे ना, इवेन डिफरेंसेस किस पर ऑन एंड बिलो द सेंट्रल लाइन, चाहे सेंट्रल लाइन सेंट्रल लाइन, क्लियर हो गया। मैंने टेबल लेंगे और टेबल का दोनों साइड होगा, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसका और ड्राइव करते हैं। इसमें किया कुछ नहीं किया गया, केवल हम ओड को इवेन में चेंज करके पुट कर दिए और कोफिशिएंट लिख दिया गया, बस। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिए हम, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अप्लाई इवेंट्स फार्मूला, इवेंट्स फार्मूला जो बोलता है कि इसके माध्यम से ऑब्टेन करेंगे हम लोग क्या चीज वाई थर्टीन, जबकि दिया हुआ है वाई नोट एक्स नोट का वैल्यू जीरो, तो बना दिया हम तरह से एक्स का वैल्यू दिया हुआ वाई का वैल्यू दिया हुआ है तरह से, तो हम लोग निकालना क्या है वाई थर्टीन, यानी एक्स का वैल्यू क्या हुआ थर्टीन, एक्स का वैल्यू क्या था डिफरेंसेस इक्वल डिफरेंस है कितना हो गया टेन का डिफरेंस है सबका। अब वी टेक, अब क्या हुआ एक्स का सबसे नजदीक थर्टीन का सबसे नजदीक कौन हो गया थर्टीन का सबसे नजदीक कितना हो गया टेन हो गया, तो टेन लेंगे हम यहाँ पर कितना एक्स नोट के वैल्यू सेंटर का सेंटर मान लिया टेन, सेंटर उसी को मानते हैं जो निकाला रहता है उसके सबसे नजदीक रहता है उसी को सेंटर मानते हैं, क्योंकि हम लोग सेंट्रल डिफरेंट टेबल यूज कर रहे हैं सेंट्रल डिफरेंट पॉइंट हम लोग। वी टेक एक्स नोट और टेन हो गया, अब यू का मान क्या था एक्स नो एक्स माइनस एक्स नोट बाई एच यानी थर्टीन माइनस टेन बाई एच कितना हो गया जीरो पॉइंट थ्री, जब u का मान 0.3 है तो v का मान कितना होगा 1 माइनस u यानी 1 माइनस u पर कितना होगा 0.7। हम टेबल बना दिए यहाँ पर u बराबर x माइनस x नोट बटे h, s का मान कितना यहाँ पर है 0, 0 माइनस 10 बटे 10 माइनस 1, 10 माइनस 10 बटे कितना 10 कितना 0 हो जाएगा, 20 माइनस 10 बटे 10 1, 30 माइनस 10 बटे 10 2 हो गया, और सबका y के वैल्यू दिया उधर रख दिया हम लोग। अब यहाँ पर देखा था कि सेंटर कौन हो गया सेंटर पे हो गया, अब इसी का क्या होता है कि जैसी सेंटर में इसको मानते हैं इसका दो टर्म में हो गया आपका, एक हो गया ई वाई नोट एक हो गया वाई वन, क्या हो गया वाई वन, ई क्या हो गया वाई नोट आई क्या हो जाएगा वाई वन, देखे होंगे टेबल में इस तरह से वाई नोट के बाद क्या होता है वाई वन था आपका फिर वाई टू था, जैसे दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा ये टर्म बनेगा आपका सेंटर, फिर इसका दो पार्ट बनेगा एक बनेगा यह एक बनेगा आपका यह, एक पार्ट ये बना एक पार्ट ये बना, ये क्या हो गया ये जो ये टर्म जो हो गया ऊपर क्या बनेगा उसको डेल टू, डेल टू कितना y नोट आई कितना डेल टू y नोट
डेल टू वाई नॉट, ये क्या हुआ डेल टू वाई माइनस वन, ये टर्म होगा आपका, क्योंकि डेल टू वाई माइनस वन के टर्म कितना दिया हुआ है माइनस 480। अब क्या हुआ, अब ज्यादा दूर में क्या बना है, सिंगल बना है यहाँ पर। अब क्या बोलेगा कि आपको सेंटर को तो लेना नहीं है, सेंटर को लेना है सेंटर के ऊपर, सेंटर का नीचे, सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन क्या ऊपर लेंगे, सेंटर लाइन के नीचे, ऊपर टर्म यू के साथ हो गया, नीचे वाला टर्म क्या हो गया वी के साथ आपका आ गया। यानी इस तरह से हम लोग दो पार्ट लेंगे, लेकिन हार्डले जाए कहां तक, टू तक ही जाएगा, क्योंकि इवन लेते हैं, क्या लेते हैं इवन, टू के बाद थ्री लेंगे, थ्री के बाद क्या लेंगे फोर लेंगे, फोर के बाद फाइव लेंगे, फाइव क्या लेंगे सिक्स लेंगे, इस तरह बढ़ेगा आपका टर्म। या कितना यहीं तक लेना था, इसलिए यहीं तक भाई रख लिखे हम लोग, और सबका मान क्या कर देंगे रख देंगे, रख लीजिए। अब यहाँ सबका मान मालूम है, यहाँ पर सबका मान आपका मालूम है, वाई नोट का मान मालूम है, यह होगा है ना, y1 का मान मालूम है, फिर आपका डेल टू वाई नोट का मान मालूम है, डेल टू वाई माइनस वन का मालूम है, u का मान मालूम है, v का मान मालूम है, सबका मान रख दीजिएगा, यही तो रखाएगा आपका। और रखने के बाद क्या हुआ, एक आंसर आ जाएगा आपका 56094.76, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो इतना सकते हैं। वाई किसने मान कर रहा है, थर्टीन कर रहा है, बराबर कितना 5609, इसको फाइव कर दीजिए, फाइव इतना लगभग क्या हुआ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, कैलकुलेशन की जरूरत ना आया पर। और इस तरह से और भी एग्जाम्पल बनाइएगा, इसमें केवल इवन पार्ट लेना है, वोट पार्ट नहीं लेना, वोट पार्ट पर सिंगल होता है, इवन पार्ट पर डबल होता है, प्योर पार्ट पर सिंगल होगा, इवन पार्ट पर डबल होगा, इसलिए यू के लिए हो गया तो डी के लिए हो गया, इस तरह बना लीजिएगा आप। और नेक्स्ट डे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, आप कुछ एग्जाम्पल बनाइएगा, न बनेगा पूछिएगा इसका।